केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राज्य में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने देश व प्रदेश के सभी वर्गों से जुड़े लोगों के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिसका फायदा आज देश की और प्रदेश की समस्त जनता ले रही है। आज हर घर धुएं से मुक्त हुआ है, गरीब को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है, किसानों को सहायता राशि मुहैया करवाई जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ हुई हैं, गांव-गांव तक सड़कें पहुंची हैं। यह बात शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल का विकास केवल भाजपा के ही कार्यकाल के दौरान हुआ है, जिसका परिणाम आगामी चुनावों में भाजपा को जरूर मिलेगा और भाजपा मिशन रिपीट करेगी। आज हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक नया इतिहास जुड़ा है, नया घटनाक्रम हुआ है। 55 वर्षों से हिमाचल प्रदेश के हाथीपार के लोग जो जिला सिरमौर में पड़ते हैं, वो जनजातीय दर्जे के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि उनके साथ लगता हुआ उत्तराखंड का जो क्षेत्र है जौसार बाबर इत्यादि का, वो 55 वर्ष से पूर्व उन्हें जनजातीय दर्जा दे दिया गया था, लेकिन उन्हीं के समकक्ष जो हिमाचल प्रदेश में थे उन्हें आज तक जो है वो जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया। इसके लिए मांग तो हमेशा चलती आ रही थी, लेकिन 1967 से लगातार हाटी समुदाय जो है वो संघर्ष कर रहा था। कभी इनकी जो है वो कांग्रेस की सरकारों ने नहीं सुनी, हालांकि मुख्यमंत्री सिरमौर से भी रहे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और वर्तमान काल में जो लौह पुरुष कहलाए जाते हैं, ऐसे गृहमंत्री श्री अमित शाह जी ने इस मांग को पूरा किया, जनजातीय दर्जा दिया और आज उसी हाटी समुदाय के आमंत्रण पर सिरमौर में आकर के उन्होंने इस बात की घोषणा की जो मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय पूर्व में लिया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस निर्णय से हाटी को जनजातीय दर्जा मिलेगा और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं इस पर इनका कोई प्रभाव नहीं होगा, वो अनुसूचित जाति के ही रहेंगे, उसी के अंतर्गत उनको सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। 12 नवंबर को चुनाव होना है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है जब घोषणा होती है, तो इस अवसर पर अमित शाह जी ने एक गीत भी लॉन्च किया है जो चुनाव अभियान के लिए, और 3 नारे भी दिए, सच्ची सेवा, अच्छा काम, फिर से भाजपा, मोदी और जयराम। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।